प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा एक झोपड़ी में बैठे, शाम का भोजन है तो सुबह का अन्न नहीं होता, ऐसी स्थिति में 18 लाख व्यक्ति आ गए। तो कहते हैं एक लीला की दाता ने, वो स्वयं ही हमारे को दृढ़ता लाने के लिए कि तुम भक्ति करना चाहो तो मैं बताऊं ऐसे करते रहो, और तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी किसी भी सतर की तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा। तो यहां परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया के सोबन जारे का, और सतलोक में गए भगवान, वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले बैलों के ऊपर ही ट्रांसपोर्टेशन होता था, ट्रांसपोर्ट का काम, गाड़ियां भी नहीं थी, जंगलों में से चलना होता था, बैलों के ऊपर जैसे गधे का बोरा होता है डाला करते थे, तो उसमें कोई खांड भर ले जाता, कोई बाजरा, कोई ज्वार एक मंडी से दूसरी मंडी में ले जाते थे, तो ट्रांसपोर्ट का काम बैलों से होता था। उनको बंजारे बोलते थे, बिजनेसमैन, वणज करने वाले बंजारे। तो बंजारे का रूप बनाकर भगवान सतलोक में गए, सचखंड से 9 लाख बैल, और उनके ऊपर बड़े बड़ा पका पका जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़ेर, सारा कुछ, जलेबी, हलवे, खीर, माठ भर भर दे गए भगवान। और वहां सी के बाजार में लगा कर टेंट उनमें सारे कर दिए खाली, पाड़ की पाड़ में तो ढेर को ढेर पूरियों का, जलेबियों का, लड्डुओं का बहुत महंगा पड़ा हुआ, और भंडारा शुरू कर दिया। और आप बैठे झोपड़ी में दूसरा रोल कर रहे। तो ये हमें उदाहरण दिया था कि कल्पे कारण कौन है कर सेवा नी काम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे से काम। तो हम अगर सच्ची साधना, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे और मर्यादा में रहते हुए, हमने घनी आवश्यकता नहीं, एक तो आवश्यकता हम खत्म करेंगे, जैसे हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी आपदाओं को टालेगा। दूसरी बात यह है कि हम विवाह शादी में जो खर्च करते हैं बंद करना पड़ेगा, और ना ही ज्यादा संग्रह करने की नीत बनाओ, क्योंकि हमने सफर भी तय करना, सतलोक जाने वाले मार्ग पर हम चल पड़े। अब यात्री घना वजन उठाकर सफर तय नहीं कर सकता, कोठी भी बना लो, बंगले भी बना लो, फलाना भी कर दो, नहीं, आवश्यक वस्तुएं अवश्य लो, बनाओ, अनावश्यक मत करो, रीति रिवाज खत्म करो जो यहाँ बेतुकी बना रखी है। एक लड़की का विवाह कर दिया, फिर उसको हमने बोझ न्यू मान लिया कि पहले तो यहाँ खर्चा गणा करें, लोग दिखावा करना पड़े, देखम देखा विवाह के अंदर, गहने देने पड़े, कपड़े 40 अगलियां के, 20 पछलियां के, वे मतलब वो इधर उधर ठाए फिरते रहते हैं। फिर कोई त्योहार आता है या कोई लड़की का लड़का हो गया, एक ब्याह और शुरू हो गया आजकल, नोके वो पी लिया और फिर वो कुआ पूजे, पूजना चाहिए भगवान, पूजा कुएं ने, कोई बात हुई है। तो इस तरह के जो सूचक बात आदि हैं, ये बेमतलब की परंपराएं हैं, ये खत्म करनी पड़ेंगी भगत ने। भगत ने जगत की तरफ देखना नहीं चाहिए, अगर जगत की तरफ भगत देखेगा तो सफर पर चल नहीं सकेगा। और परमात्मा कहते हैं कुलकर्णी के कारण ये हंसा गया बिगो, और फिर यू कुल के कर लेगा जब तुम चार पाया का हो। आज तो इस कुल के रिवाजों को देखकर भक्ति से दूर हो गया उनके लोक लाज में आके, तो फिर परमात्मा कहते हैं यो कुल, ये तेरा
जो खानदान है, जो तेरे मोहल्ले के लोग हैं गांव के, ये फिर तुझे कैसे बता देंगे जब तू चार पाए का गधा बनकर खड़ा हो गया, बैल बनकर खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कुल करनी के कारण, कुल की परंपराओं के कारण हंसा गया विभो, ये भक्त डगमग हो गया और छोड़ गया मार्ग को, तो तब कुल यू के कर लेगा जब तू चार पाए का हो। तो इन सब बातों को याद करके हमने जगत को नहीं देखना, भगत ने भगत को ही देखना होता है, और परमात्मा के नियम का पालन करके आगे बढ़ना। अब क्या बताते हैं कि दोजक वैस सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और तीन लोक के भीतर पतना ही यो मन भोगी खसिया। अब इस मन की ऐसी गंदी वृत्ति है। एक हमारे गांव का एक बहुत पुराने समय में एक्सीन बन गया कार्यकारी अधिकारी इंजीनियर सिविल के अंदर, उसने तीन कोठी बना दी, अच्छा धन दान था, दो लड़के थे, उसकी मृत्यु वो पैरालाइज दुर्घटना होगी, दुर्घटना पैरालाइज होकर मरा, तीन कोठी बेटे दो। अब उस एक कोठी का ऊपर उन बेटिया का झगड़ा हो गया, एक एक तो उनकी थी, एक पर हो गया, एक ने उसका गोली मार दी, तो हो गया ना से खड़े काट ले उसको ठहने, और आप गधा बने रह हुआ कि तो यहाँ परमात्मा कहते हैं दोजक भ्रष्ट सभी तय देखे, नरक भी जा लिया, स्वर्ग में देवता भी बन लिया, यहाँ का राजा भी बन गया, राजपाट के रसिया, और तीन लोक से भी तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। कोई एक सरपंच बन जाता है गांव का, तो उसकी नीयत ये रहती है कि चेयरमैन बनूं जब बात बने। अब चेयरमैन बन जाता है तो उसकी नीयत यह है कि अगली बार में एमएलए की टिकट मिले। एमएलए बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती, ये बट नेचुरल है, वो सोचता है को मिनिस्टर पोस्ट मिले, मंत्री पद मिले, जबकि मैं जी में जी आवे। मंत्री बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं है कि फिर भी प्राचीन हूं और मुख्यमंत्री बनूं तो बात बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर तगड़मबाजी शुरू होती है, प्रधानमंत्री बनू जब जय जयकार हो, प्रधानमंत्री का नंबर आवे तो भाई की टिकट कट जा, फिर गधा बने पावे कि तो कुमार के बोरे तले। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान समझ में आओगा सतगुरु की शरणों में। जैसे परमात्मा बार बार हमें कितने भाव से समझाते हैं, हमारे को कितने प्रकार से समझाते हैं, मन नेकी कर ले दो दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले दो दिन का मेहमान। फिर क्या बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन नेकी कर ले दो दिन का मेहमान। क्या कहते हैं कि ठीक है तो मनुष्य जीवन में है, कहीं भी जाएगा, रिश्तेदारी में जाएगा, कोई बड़े छोटे अच्छे नेक व्यक्ति से मिलेगा, आपको वो संसारिक जीवन की तो ट्रेनिंग दे सकते हैं, धन जोड़न की भी दे सकते हैं, लेकिन गुरु के बिना तुझे आत्म ज्ञान नहीं मिलेगा। तो क्या बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिना आत्म ज्ञान, कि आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान ये दो ज्ञान होते हैं। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये मृत्यु और जन्म हो रहा है। और परमात्म ज्ञान वो है जो परमपिता कौन है, जिसकी साधना से पूर्ण मोक्ष हो, वो कौन है, तो वो बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि तीन लोक से तरपतना ही ये मन भोगी खसिया, इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, इसकी कोई संतुष्टि नहीं, इस ज्ञान से तो संतुष्टि होगी। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पद समाना, और चल हंसा उस लोक पठाओ जो आज अमर स्थान। अब देखो ये है सूक्ष्म वेद, और सूक्ष्म वेद के जो गूढ़ शब्द हैं वो उस वेद से भी अधिक हैं जो हम वेद माना करते चार वेद। इसमें क्या लिखा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, सतगुरु मिलेंगे तो सब ऐसा ज्ञान सुनाएंगे यहाँ की सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, और पद मिल पद समाना, पद के दो अर्थ है यहाँ पर, पद मिल पद समाना, पद माने पद की भक्ति की विधि सही मिलेगी,
तो उस पद मिल पद समाना कौन से पद को प्राप्त करेंगे? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान के आधार से जानकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। अब यहाँ परमात्मा का सूक्ष्म वेद में वही बता रहे हैं, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, पद पद माने पद्धति, सही श्रेष्ठ भक्ति विधि मिलने से उस पद में समावांगे, वहां पहुंच जाएंगे जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर नहीं आते। पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं, हे प्यारी आत्मा चल तुझे वहां भेज दूं जो आदि अमर अस्थाना, आदि अमर यानी जो शाश्वत स्थान है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो यहां वही बता रहे हैं कि हम जो विधि बता रहे इससे वो मिलेगा तुम्हें, और गीता ज्ञान दाता ने तो बता दिया है कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, तो वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में ये दास भेज रखे उस परम पिता ने आप पुण्यात्माओं के लिए, ये सत्कर्म मांगण। तो क्या कहते हैं, अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, इस मन की कहते हैं सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी वप्रीति हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती। अब संत मन जीती बना रहा है दास आपको, ये इच्छाएं हटेंगी, मन की वृत्ति चेंज होगी। सतगुरु मिले तो इच्छा मिट, पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो शाश्वत स्थान, आदि अमर स्थाना, आदि यानी पहले का सदा से ही है वो और अमर शाश्वत स्थान है, फिर वहां क्या सुख है। चार मुक्ति जहां चंपी करती, अब जैसे यहाँ की जो मुक्तियां हैं चार मुक्तियां हैं, ये चारों की चारों प्राप्त प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में रहता है, वो सदा वो सुख उनको नहीं प्राप्त रहता, और वहां जाने के बाद सदा सुख रहेगा सतलोक में जाने के बाद। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी और दास गरीब अब पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उद्धारता है, यह लोक चरम अविश्य विवर्ती अवेश्वर है, तो वो परमात्मा अविनाशी परमात्मा आपको मिलेगा जो साधना हम बता रहे हैं, ये दास बता रहा है, और वहां सदा सुखी रहोगे, आपका परिवार होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, किसी चीज का अभाव नहीं होगा। और यहाँ से तो आपने जाना पड़ेगा, या आपको याद है खूब और याद रखना, इसलिए यहाँ की इच्छाएं हटाकर अब वहां की आशा बनाए सतलोक जाने की, जहां आशा ता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि करतनहार कबीर परमेश्वर जी, हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, हमारे पिता हैं। अज्ञातम मार्ग से हम अपरिचित होने के कारण अपने पिता को हम पहचान नहीं पाते, जिसके परिणाम स्वरूप हम साधना करते करते भी इस काल के जाल से हम नहीं निकल पाते। ये काल का एक भयंकर जाल है, इस जाल से निकले बिना हमें सुख नहीं हो सकता, हमारी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, और अभी तक जो भी हमें अध्यात्म ज्ञान मिला था वो यूजलेस था, बेसलेस था, निराधार था, झूठा था। जितने भी संत ऋषि महर्षि जो सतयुग से लेकर आज तक रहे हैं, इन सभी ने परमात्मा को निराकार बताया है, और जैसे स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक,
ये स्थान भी उन्होंने बताया हमारे को, स्वर्ग लोक बताए हैं, और उसकी व्यवस्था ये भी बताई गई है कि वहां जितने भी प्राणी जाते हैं स्वर्ग के अंदर अपना पुण्य समाप्त होने के उपरांत अन्य योनियों को प्राप्त करते हैं, दूसरे प्राणियों के शरीरों में वो प्रवेश कर जाते हैं। ये सिलसिला असंख्यों युगों से चला आ रहा है। अब कुछ समय से 100-150 वर्ष से इस काल ने एक और जाल फैलाया है, जो ये सतलोक की महिमा बताने वाले कुछ पंथ पनपे हैं, जिसमें से राधा स्वामी पंथ जो आगरा से प्रारंभ हुआ है ये सबसे पुरातन है। इस अभी 1861 के आसपास ये प्रारंभ हुआ, और उसी से बहुत सी ब्रांचें बन गई हैं, जैसे जागरूदेव पंथ मथुरा में, सच्चा सौदा सरसा के अंदर डेरा बना हुआ है, और ब्यास के अंदर भी। उसी से बहुत से पंथ निकले हैं, जैसे दनौद के अंदर भिवानी जिला में, और भी अनेकों स्थानों पर ठाकुर जी है, ये भी उसी राधा स्वामी पंथ से निकले हुए, एक अलग से उन्होंने पंथ चलाया, कृपाल जी। ये सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं, सतलोक में सतपुरुष निराकार बताते। इनका तो सिर पैर है ही नहीं ज्ञान का, ये आपको बहुत बार दिखाया दास ने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम यथार्थ अध्यात्म मार्ग से अपरिचित रहे, जिस कारण से हम जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग में फंसे रहे। हम साधना भी करते रहे, दुख जो के तो बने रहे। इसका कारण ये था कि हम जिन भगवानों को, जिन देवों को हम पूर्ण परमात्मा मानकर पूजा करते थे, वो पूर्ण नहीं थे। परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है कि परमात्मा मनुष्य के सभी दुखों का निवारण कर देते हैं, और इसी आधार से हम साधनाएं किया करते थे, इसलिए भक्ति करते थे कि आने वाले जीवन में हमारा परिवार सुखी रहे, हम भी सुखी रहें, हमारे ऊपर कोई आपदा ना आवे, इसलिए हम साधना किया करते थे, धन लाभ भी उद्देश्य रखते थे और परमात्मा की साधना हम करते रहते थे। लेकिन वही साधना करते करते कुछ एक तो बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त कर जाते हैं, कुछ अच्छे धनी हो जाते हैं, कुछ एक को अच्छी संतान भी मिलती है, उन्हीं साधनाओं को करते करते अन्य का सर्वनाश भी हो जाता है। इसका कारण ये था कि जिन भगवानों को हम भगवान मानकर पूजा किया करते थे, जिन देवों को, उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। वो पूर्व जन्म के संस्कार ही सबके फल रहे थे। जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनके प्रारब्ध में, उनकी किस्मत में जो लिखा है, उनको वो मिलना ही होता है, चाहे वो भक्ति साधना करें या ना करें। तो उनको जो उसी साधना को करते करते अच्छे धनी भी हो जाते हैं, संतान भी नेक होती है, और संसार के अंदर वो सुखी भी नजर आते हैं, उनके पूर्व जन्म के पुण्य थे, उन्हीं के आधार से उनको जो प्राप्त हुआ वो भक्ति से उसका कोई लिंक नहीं था, क्योंकि उसी साधना को करते करते दूसरे उसी कुल के, उसी परिवार के सदस्य भी वही साधना कर रहे होते हैं, और उनको इतनी हानि हो जाती है कि सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पुण्य नहीं थे।
तो यही ज्ञान देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं कि तुम जिन देवों की, जिन प्रभुओं की पूजा कर रहे हो, उनसे आपको वो लाभ नहीं हो सकता जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में वर्णित है। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है। उनमें कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यह परमात्मा स्वयं आकर 600 वर्ष पहले ये ज्ञान करा कर गए थे। वो कहा करते थे, परमात्मा कहा करते कबीर जी, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभो न हो मुक्ति। वो तीन देव कौन कौन है? श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शंकर जी तमोगुण। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। पुणात्मा आज से लगभग 600-550 वर्ष पूर्व और भरे बाजार में, सत्संग के अंदर, प्रवचनों में ये कहना कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं, उनको कोई मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, उनको कोई उनकी गति नहीं हो सकती। तो पुण्यात्मा, ये बहुत ही कठिन कार्य था और परमात्मा ने ये 600 वर्ष पहले कहा, ये ज्ञान दिया, जिस कारण से परमात्मा का बहुत विरोध हुआ कबीर परमेश्वर का। उनके साथ बहुत सी बदतमीजियां की गई, उनको जान से मारने की भी चेष्टा बार बार की गई, लेकिन वो समर्थ थे। वो हमारे पिता हैं और वो हमारे लिए ही आते हैं कि कभी ना कभी तो इनका ये नशा, ये झूठे सुख का नशा जो काल ने कर दिया त्रिगुणमयी माया का, ये कभी तो उतरेगा, कभी तो मुझे पहचानेंगे। तो अपनी पहचान छोड़कर चले गए थे भगवान 600 वर्ष पहले, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष एक जनसाधारण की भूमिका की, एक सिंपल जुलाहा बनकर, धानक बनकर रहे भगवान। और उसी बनारस की कुटिया से असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन भी कर रहे थे, प्रत्येक प्राणी की वो सुरक्षा व्यवस्था भी कर रहे थे। अपने आत्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू न हो भक्ति। तुम कौन राम का जपते जापम, ताप कटे ना तीनू तापम। परमात्मा कहा करते, तुम किस भगवान की भक्ति कर रहे हो, किसका मंत्र जाप कर रहे हो, उन भगवानों से तुम्हारा कोई तीन ताप का जो कष्ट है वो भी दूर नहीं हो सकता। आज आपको प्रमाणित करते हैं कि हमारे सदग्रंथ भी यही प्रमाण करते रहे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में ये स्पष्ट किया है कि तीन देव, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण
और श्री शिव जी तमगुण की जो साधना भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। इसके विपरीत श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि इन तीनों गुणों पर आधारित, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना से मिलने वाले लाभ पर अक्षीणिक लाभ है। इसके ऊपर जिनकी बुद्धि सेट हो गई है और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है उनको कहा है राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी नहीं करते। अपनात्मा अध्यात्म मार्ग से हम दूर घने हो गए और अज्ञान हमने ज्यादा ग्रहण कर रखा है, इसलिए प्रथम बार ये वचन कोई सुनता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, मचल जाती है आत्मा, क्योंकि हम श्री विष्णु श्री शंकर जी इनके रंग में बहुत ज्यादा रंगे हुए हैं और जब सच्चाई सुनते हैं एक बार कड़वी अवश्य लगती है लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मीठी हो जाती है, क्योंकि उस अज्ञान से हमारी आत्मा में निर्मलता समाप्त हुई और जब सच्चाई प्रारंभ होती है तो आत्मा एकदम उसके विपरीत सोचती है, सप्राई करती है, लेकिन सच्चाई के अंदर इतना दम होता है वो अपना स्थान बनाकर ही रहती है। जब दास ने ये सत्संग शुरू किए इतना विरोध हुआ, एक बार तो ऐसा लगा कि परमात्मा आपका ज्ञान आपके बच्चों तक कैसे पहुंच पाएगा, कदम कदम पर विरोध हो रहा है। किसी भी वर्ग में देखिएगा सभी ये कहने लगे कि रामपाल तो निंदा करता है, लेकिन इस दास को पता था कि निंदा नहीं एक परोपकार कर रहा हूं। जैसे सदग्रंथों को आपके रूबरू कर रहा हूं और जिन भी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों या किसी संत मंडलेश्वर ने जो भी ज्ञान उन्हीं सदग्रंथों को आधार मानकर बताया है उसके अनुभव को और वेदों और गीता और पुराणों से तुलना कर देता हूं। मेरा सिर्फ इतना सा काम है कि हमारे सदग्रंथ सत्य है, इसके विरुद्ध जो जिसका ज्ञान है वो असत्य है, शास्त्र विधि त्याग कर्म माना आचरण है, वो यूजलेस है, व्यर्थ। इसको एक आलोचना न समझे, इसको एक परोपकार समझे। जैसे ये कई शरारती व्यक्ति कुछ असामाजिक तत्व नकली नोट छाप देते हैं 500 और 1000 रुपए के, जब सरकार को पता चलता है तो वो क्या करते हैं ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाते हैं समाचार पत्रों में, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनलों पर, और वो बताते हैं कि देखो ओरिजिनल में ये वस्तु है और डुप्लीकेट ये ऐसा है, इसमें ये नहीं है, ये त्रुटि है। तो कोई ये कहे कि सरकार आलोचना कर रही है दूसरों के नोटों को तो जची नहीं बात। ठीक इसी प्रकार वो सरकार एक बहुत बड़ी परोपकार कर रही है, नहीं तो लाखों लोग लूट जाते। तो यही उद्देश्य दास का है कि आपके ओरिजिनल और डुप्लीकेट ज्ञान को दोनों को रूबरू कर रहा हूं और इससे आपको पहचान होगी सत्य और असत्य की, आपका जीवन नाश होने से बच जाएगा। तो इसका परिणाम अब अच्छा निकल रहा है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता, ये एक अनमोल ग्रंथ है, ये चारों वेदों का इसके अंदर सारांश है और इसके अंदर बहुत ही सिस्टमेटिकली ज्ञान दिया हुआ है, तरतीवाइज दिया हुआ ज्ञान है। लेकिन हमारे धर्मगुरु हमारे अध्यात्म मार्ग के इन ग्रंथों को, आध्यात्मिक ग्रंथों को
सदग्रंथों को समझ नहीं सके, जिस कारण से ये हमें लोक वेद सुनाते रहे। लोक वेद का अर्थ होता है दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान। लोक वेद, अक्षेत्रीय ज्ञान, दंत कथा, सुना सुनाया ज्ञान एक दूसरे से जो सत्य ना हो, उसको लोक वेद कहते। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। जैसे परमात्मा हमारे को समझाने के लिए अपने ऊपर ही वो सब उदाहरण कोड करते हैं, एग्जाम्पल कोड करते हैं, उदाहरण लगाते हैं। क्या बताना चाहते हैं परमात्मा? के पहले में लोक वेद यानी सुने सुनाए अपने धर्म मजहब अक्षेत्र में जो भी साधनाएं पूजाएं चल रही थी, उस लोक वेद के आधार से भक्ति कर रहा था। फिर सतगुरु मिल गए जिसने तत्व ज्ञान रूपी टॉरच दीपक हमें दे दिया। अब उस तत्व ज्ञान रूपी टॉरच यानी दीपक की रोशनी में अब हम भटक नहीं सकते, हम सीधे रास्ते चलेंगे जो मालिक ने बताया है। तो जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री रामचंद्र जी और शंकर भगवान का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, यानी सभी साजली पूजा हम करते ही थे, सभी हिंदू। जो भी देव किसी ने बता दिया इससे बहुत लाभ होता है, उसी की उपासना प्रारंभ कर दिया करते थे। तो ये था लोक वेद। और फिर परम संत स्वामी, आदरणीय स्वामी रामानंद जी मिले, रामदेवानंद जी मिले मुझदास को। उन्होंने जो रास्ता दिखाया, तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, तो उस टॉर्च की रोशनी में दास फिर उस लोक वेद को त्याग कर और यथार्थ मार्ग ग्रहण कर लिया। आज प्रसंग जो चला है कि जो साधनाएं हम किया करते थे और उन्हीं साधनाओं को हमारे दूसरे कुल के लोग भी करते थे, उनसे अच्छा हमारी व्यवस्था रही। जैसे ये दास श्री राम, श्री कृष्ण और विष्णु जी अर्थात और भी अन्य साथ साथ जितने भी देवता, शंकर भगवान, हनुमान जी, गणेश जी, सबकी पूजाएं करता था। और घर में जो भी सुख होता था, जैसे बच्चे पहले पढ़ते हैं तो सफलता मिलना भी हम भगवान को क्रेडिट दिया करते थे, फिर संतान हुई, लड़के लड़की हुई, तो भी हम भगवान को इस क्रेडिट देते थे कि जो साधना हम कर रहे हैं, हम सोच रहे थे इन्हीं से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। फिर सर्विस लगी तो भी यही सोचा कि हनुमान जी ने दया कर दी, भगवान विष्णु ने दया कर दी, बाबा श्याम जी जो हमारा घरेलू देवता था कभी उसको याद करते थे, उन्होंने कृपा बख्श दी, और कभी विष्णु जी को, कभी शंकर जी को, इन सभी को क्रेडिट दिया करते थे कि इन्होंने बड़ी रजा बख्श दी। अब पता चला कि वो जो कुछ भी हमें मिल रहा था वो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ था, पूर्व जन्म के संस्कार ही प्रफुल्लित हो रहे थे। उन्हीं पूजाओं को करते हुए हमारे दूसरे परिवार के व्यक्तियों को वो लाभ नहीं हुआ, बहुत सी हानियां भी हुई। तो अब पता चला कि जो साधना हम कर रहे थे जिन देवताओं की, वो हमें ना हानि कर सकते हैं ना कोई लाभ पहुंचा सकते हैं, वो केवल हमें वर्क डन ही दे सकते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही देंगे। पूर्व जन्म का किया हुआ जो संचित कर्म होते हैं उनमें से एवरेज में निकाले जाते हैं पुण्य और पाप, उससे एक जीवन बना दिया जाता है जिसको प्रारब्ध कहते हैं, किस्मत कहते हैं। तो जब तक हम पूर्ण परमात्मा की साधना, सत साधना नहीं करते, तब तक हम केवल अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं, अपनी किस्मत से ही प्राप्त कर रहे होते हैं। और जब हम परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की शरण में आते हैं, पूर्ण संत मिल जाते हैं, सत साधना मिल जाती है, तो फिर हम उससे हटकर लाभ लेते हैं। जैसे पहले वाली साधना इन अन्य भगवानों की पूजाओं से, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी,
और ब्रह्म तथा परब्रह्म सरपुरुष जिसे कहा है अक्षर पुरुष, इनकी भक्ति करने वालों को केवल किया हुआ कर्म ही मिलेगा। उनके प्रारब्ध में यदि दुख है तो वो दुख होगा ही होगा। किसी का पुत्र मरना है तो मरेगा ही मरेगा, किसी की टांग कटनी है तो कटेगा ही कटेगी। उसे आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, अशुभ और अशुभ दोनों डिपॉजिट होते चले जाएंगे, वो आपके संचित कर्मों में जुड़ जाएंगे। और जब हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर भगवान की भक्ति करेंगे, पूर्ण संत से लेकर, इन नकलियों से नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होना। सत साधना, सत मंत्र और पूर्ण सतगुरु और सच्ची लगन से मर्यादा में रहते हुए जो भक्ति करेंगे, फिर उनकी प्रारब्ध में यदि कोई हानि होनी है वो नहीं होगी। वो परमात्मा का विधान है, वो समर्थ परमात्मा है, वो हानि को टाल देता है, पुण्य आपके प्रफुल्लित होंगे। उदाहरण के लिए जैसे जैसे किसान खेती बीजता है, गेहूं बोता है, उसके अंदर खरपतवार भी साथ उग जाता है और गेहूं से भी अधिक उग जाता है, तो पहले इसका कोई समाधान नहीं था, पहले ऐसी कोई मेडिसिन डिस्कवरी नहीं हुई थी, अनुसंधान नहीं हो पाया था, और अब एक ऐसी मेडिसिन बना दी है वैज्ञानिकों ने कि उस मेडिसिन को, उस दवाई को पानी में डाल दिया जाता है, खेती के अंदर पानी में डालकर छिड़क दिया जाता है, तो वो घास को, खरपतवार को नष्ट कर देती है, फसल जो की तो खड़ी रहती है, उसको हानि नहीं करती, तो वो फसल दुगनी होती है। इसी प्रकार अब परमात्मा ने या दया बख्शी है अपने, वो जैसा नियम है उसका, वो रहस्य गुड मंत्र, वो गुप्त मंत्र परमात्मा यहाँ सार्वजनिक करता है, जिस के जाप करने से हमारा वो खरपतवार रूपी पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे पुण्य शेष रह जाते हैं। तो वो मेडिसिन इस दास के पास है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। तो अब आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के विषय में हमारी गीता जी क्या बताती है, इनकी साधना करने वालों को क्या संज्ञा दी है। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का अंश दिखाते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंद का, इसके अनुवादक हैं गीता प्रेस गोरखपुर से, ये प्रकाशित है। हम इसका 7वां अध्याय लेते हैं, ये है 7वां अध्याय, 7वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। इसके प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप, ये वैसे समग्र है, समग्र माने सारे, सब प्रकार से मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। अब क्या बताया है, दूसरे मंत्र में कहा है 7वें अध्याय के, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से ही तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब गीता ज्ञान दाता कह रहा कि अर्जुन, मैं अब तुझे ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूँ, इसको जानने के बाद फिर संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अपने आत्माओं देखना, और इन इस पवित्र गीता को हम श्रोधारिय मानते थे, पढ़ते भी थे, डेली पाठ भी किया करते थे, लेकिन कहते हैं गुरुगन का हुन पाया ज्ञान, जो थो था बुझ छड़े मूड किसान, गुरुगन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना वेदों के अर्थों, गुण अर्थों का
समझना बड़ा कठिन है और उसके ना समझे बिना हम अज्ञानी ही रहे। हमारे जितने भी ऋषि सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षि ये सब अज्ञानी थे। अपने आत्मा ये दास के जो वचन हैं ये कड़वे अवश्य लगेंगे एक बार, लेकिन बाद में इतने मीठे हो जाएंगे इनके अतिरिक्त आपको कोई और बोल वचन सुहावेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। कि सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षियों को ज्ञान नहीं था, बिल्कुल ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे वे। अपने आत्माओं थोड़ी सी झलक दिखा दूं, नहीं तो कोई पहली बार सुनेगा भक्त, क्योंकि ये सीडी वगैरह बनती हैं, भक्त अपने मित्रों को देते हैं तो उनका ये हजम होगी नहीं ये बात कि सतयुग से लेकर आज तक के इन ऋषि में ऋषि ब्राह्मणों को कति ज्ञान नहीं था भक्ति का, इनको छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं था, बताओ। तो ये वचन जो दास के हैं ये तो आज सभ्य समाज शिक्षित समाज हो गया इसलिए स्वीकार्य हो गए, और ये वचन परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते कबीर जी, तो उस समय तो पत्थरा खान की बात थी, डले लग गए। और है ये सारी सत्य, पूरी कंप्लीट सत्य है, हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा श्री देवी भागवत के कुछ उल्लेख आपके रूबरू करता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि न तो सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षियों को ज्ञान था और न ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था अध्यात्म मार्ग का, तो और को होगा किसको, केवल परमात्मा स्वयं आते हैं अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप में वही बताते हैं, और यथार्थ भक्ति मार्ग और पूर्ण परमात्मा वो स्वयं होते ही है, वो स्वयं ही यथार्थ भक्ति मार्ग बताते हैं, यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान वही बताते हैं। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत सतीत्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके कौन है संपादक, कौन है इसके देखिएगा, हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी और ये प्रकाशक है इसके। इसके 414 पृष्ठ आपको ले चलते हैं, छठा स्कंद, ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे, जनमेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं जनमेजय को, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना यानी पूजा होती थी, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता था, प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। और यहां और देख लें साथ में थोड़ी सी इनकी झलक, धर्म की यही सतीति त्रेता में रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था, सतयुग की जो सतीति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में, कली माने कलयुग में ब्राह्मण माने जाते, दास नहीं कह रहा ये अपना इतिहास कह रहा है, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना ये कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अपने आत्मा कलयुग के जो ब्राह्मण जिनको हम आचार्य और शंकराचार्य ये सारे ब्राह्मण हैं, हमारे धर्मगुरु जो अभी तक थे, तो इनके विषय में क्या कहा है कि जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस हुआ करते इसे स्वभाव के तो हमारे ब्राह्मण हो गए, तो अन्य जनता का क्या हाल होगा,
अब ये क्या बता रहे हैं, इससे एक और कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान माने जाते थे, व्यास जी कह रहे, और वो दुर्गा की पूजा करते थे, खास विद्वान थे वे। अब थोड़ी सी झलक साथ और लेते हैं श्री विष्णु जी की, फिर आगे निर्णय करेंगे। इसी देवी भागवत के 28 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 28-29 पे श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा, श्री नारद और व्यास जी के ज्ञान की झलक आपको दिखाते हैं। ये 28 पृष्ठ है, ये प्रथम स्कंध पहला स्कंध है, और ये संक्षिप्त देवी भागवत 28 पे वही पढ़ रहे हम। नारद और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है, नारद जी से प्रश्न पूछा है व्यास जी ने और नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा आदि देव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, यानी विष्णु जी के विषय में बता रहे हैं। दिव्य कोष्ठमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को यहाँ सबसे बड़ा भगवान बताने की चेष्टा कर रहा है, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानो सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण है, इसे होता जा रहा है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है यानी विष्णु जी सतोगुण है, और रुद्र में तामसी शक्ति का विर्भाव हुआ है और शंकर जी तमोगुण है। इस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उसी शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ और अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर क्या बताते हैं भगवान विष्णु जी बता रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ
और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूँ। ये सबसे बड़ी, मेरे लिए सबसे बड़ी भगवान दुर्गा है। अपनात्मा इस थोड़े से उल्लेख में अपने सदग्रंथों से यह सिद्ध हो जाएगा कि यह गौतम मार्ग का न विष्णु ने पता, न ब्रह्मा ने पता, न शंकर ने, न नारद जी ने, न व्यास जी ने, और सतयुग के ब्राह्मणों को नहीं पता, तो त्रेता द्वापर कलयुग वालों को तो पता ही कैसे होगा। यह आपके रूबरू आ गया कि उधर से सतयुग के ब्राह्मण भी वेद के पूरे विद्वान माने जाते थे, दुर्गा की पूजा करते थे। इधर विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, इससे ऊपर कोई भगवान नहीं जानता मैं। तो आ गया सतर इनके अध्यात्म ज्ञान का, स्पिरिचुअल नॉलेज का। तो क्या पता था इन ब्रह्मा विष्णु में इसको, जिनको हम सर्वज्ञ मानकर पूजा किया करते थे। अब देखो ये दोनों यानी सतयुग के ब्राह्मण और विष्णु जी क्या कह रहे हैं कि हम दुर्गा की पूजा करते हैं। वेद में कहीं लिखा दुर्गा की पूजा करने का? श्रीमद भगवद गीता में लिखा कहीं दुर्गा की पूजा करने का? एक शब्द तो सुना दो। तो इसको कहते हैं लोक वेद सबल उआ बाई बकदा। अब दुर्गा जी क्या कहती है आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पर, सातवें सकंद में, सातवां सकंद और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब दुर्गा जी पहले तो अपने विषय बताती है, फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। यहां फिर आगे वह है समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य। उस वेद ने योग्य लक्ष्य का तुम वेधन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य उपनिष्ठ में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीव आत्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब यहां देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। अब दुर्गा क्या कह रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। क्या कह रही है दुर्गा जी कि उस केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है और उसको ब्रह्म की साधना जीव आत्मा करे। अपनी साधना भी करिए, मेरी भी पूजा मत करो, एकमात्र उसी की साधना करो। ये देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का परमात्मा का को ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। स्पष्ट कर दिया कि ओम नाम ब्रह्म का है और इस ओम नाम के जाप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखकर साधना करो, तुम उसको प्राप्त कर जाओगे। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म,
ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहां रहता है ब्रह्मलोक में ये ब्रह्म। अपने आत्माओं यदि ये दास मौखिक ये वचन कहकर छोड़ देता है और प्रथम बार कोई पुण्यात्मा ये वचन सुनता है तो वो शायद टीवी बंद करके बैठ जाता है, औरों को भी कहता कि वो तो निंदा करता है, झूठ बोलता है। और अब क्या कहोगे कि ये विश्व में यदि सत्य ज्ञान है तो रामपाल के पास है, न विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 पर। इसके अंदर एक बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, लेकिन हम समझ नहीं सके इन सदग्रंथों को, जिस कारण से हमें बहुत हानि हुई, जिसकी पूर्ति अब हो पाएगी। अब देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये है सप्तम अध्याय, हमने ये पढ़ लिया पहले, फिर पढ़ लेते हैं। प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है, हे पार्थ, अनन्य मन से वो जो मैं आसक्ति रूप आसक्त चित्त अर्थात अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से तू समग्र यानी सर्व भाव सब प्रकार से, समग्र माने सब प्रकार से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब दूसरे में सातवें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब तीसरे मंत्र में कहा कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, यत्न करने वाले योगियों में भी कई एक मेरे प्राण होकर मुझको मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। चौथे में कहा है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अपने आत्माओं यहां ये सिद्ध हो गया कि दो प्रकृति बताई जा रही है। एक तो ये बताया है कि पृथ्वी जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये 8 का योग से ये बनती है जड़ प्रकृति, और दूसरी या चेतन प्रकृति दुर्गा है,